वेलकम वेलकम शाही नगर किचन में वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं साउथ इंडियन डिश बनाने जा रही हूँ। मटन बिरयानी है। ये मेरा मटन 750 ग्राम है। ये 2 नारियल है, इसको पीसेंगे, इसका दूध निकालेंगे। आज से दूध अलग से भी मिलता है, आप अलग से भी मंगा सकते हैं, लेकिन इसका मैं ज़ाया नहीं करूँगी, पीसूँगी। इसका दूध से ही ये गोश्त बनेगा और ये पुलाव बनेगा। ये जावित्री है, बड़ी इलायची, तेजपत्ता, हरी इलायची, इलायची, ज़ीरा, स्याह ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च, ये 2 अदद टमाटर है, ये प्याज है मेरा 300 ग्राम कटा हुआ, ये 750 ग्राम। ये मैंने चावल लिया है, जो मैं बासमती चावल हमेशा लेती हूँ, जो मैं बताती हूँ बासमती भी नहीं, ज़ीरा पुलाव चावल है। इसको मैं इसको उलट देंगे, इसमें धोएंगे, इसलिए इसको हमने उलट दिया बॉल में। अब मैं गैस को ऑन कर रही हूँ, जब तक इसको नारियल को भी पीस लेते हैं, गैस भी ऑन कर देते हैं। इधर मेरा ये ख़त्म, जल्द गर्म हो जाएगा तेल, जब तक मेरा तलाएगा प्याज। अब जा रही हूँ इसको जार में डाल के पीसेंगे। चलो, गरम हो चुका है रिफाइन, ये इसमें हमने दिया 200 ग्राम के लगभग, अभी हमने तेल लिया है। अभी ये प्याज को थोड़ा सा तलेंगे जो गोश्त में पड़ेगा। बहुत टेस्टी साउथ इंडियन डिश बनती है। इसको अभी और थोड़ा सा चलाएंगे। ये 250 ml हमारा दूध निकल गया। ऐसे मार्केट में भी दूध मिलता है, आप चाहें तो मार्केट से भी दूध लेते हैं, लेकिन जब नारियल है, जब नारियल पीसना ही है, पीस के गोश्त में देना ही है, तो इसलिए हमने निकाला और ये पानी को, ये दूध को गोश्त में देंगे। चावल चढ़ाएंगे, ये थोड़ा सा गोल मिर्च, लौंग, तेजपत्ता, बड़ी इलायची, हरी इलायची, ज़ीरा, स्याह ज़ीरा, इसको देकर चावल चढ़ाएंगे। जब तक चावल होता है, जब तक मैं इधर गोश्त तैयार करती हूँ। पुलाव की बिरयानी निकाल रहे हैं। हल्का सा बिरयानी पड़ जाता है ऊपर से तो अच्छा होता है, नहीं भी निकालेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ऊपर से इसमें नहीं पड़ता है। बहुत ही इजी वे में मैं बना रही हूँ, बहुत ही इजी वे में दिखा भी रही हूँ। जो चीज़ घर में है वही सब सारी चीज़ें से मैं बना रही हूँ। अब मैं इसमें तेजपत्ता एक ठो, एक जावित्री, एक लौंग, काली मिर्च थोड़ी सी, जीरा, स्याह जीरा, हरी मिर्च, ये हरी इलायची, बहुत इजी वे में बताएंगे, आप लोग भी बना लेंगे आराम से, देर नहीं लगेगा बनाने में ज़रा सा भी। अब मैं इसके अंदर ये गोश्त को डाला, 750 ग्राम है, इसलिए मेरा चावल भी 700 ग्राम है। गोश्त और चावल दोनों बराबर रहता है, ऐसे तो गोश्त ज़्यादा लोग देते हैं, लेकिन आजकल ज़्यादा नहीं पड़ता, कम से कम बराबर पड़ जाता है।
अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 3 चम्मच दे रहे हैं। खूब अच्छे से भूनते रहना है जब तक पानी नहीं सूख जाता है। पानी भी इधर मेरा ये उबल गया। अब मैं इसमें चावल दे रही हूँ। हमने नमक दिया, चावल में भी नमक दिए थे इसलिए कम देंगे नमक, ज़्यादा नहीं देंगे वरना ज़्यादा हो जाएगा। एक, दो, तीन, 4 चम्मच हमने धनिया पाउडर दिया। 1, 2 हमने हल्दी दिया। 1 तीखा दिए। 1, 2 हमने कश्मीरी दिए। इसमें हमने टमाटर दे दिया, 2 पीस था समझिए 250 ग्राम टमाटर था। आप लोगों को लग रहा होगा ये कोकोनट बिरयानी है, मैं बना रही हूँ, बहुत ही मशहूर बिरयानी है कोकोनट, साउथ इंडियन डिश है। अभी इसमें बाकी चीज़ सारी चीज़ें देते जाएंगे, आप लोग देखते जाएंगे कैसे कैसे दें। अब मैं इसमें अभी हल्का सा सीटी लगा दूँगी ताकि ये पानी नहीं छोड़ दे। पानी भी हमने एक बूंदी में दिया। बिरयानी बनाने में कोई मेहनत नहीं है, सबसे आसान खाना खाने तो बिरयानी ही लगती है। ये देखिए कहीं पर भी नहीं गला इस सका है, ना ही जला है, कितना अच्छा से रोगन भी छोड़ दिया है, पूरा लाल लाल गोश्त हो रहा है। अब इसमें मैं नारियल डालूँगी क्योंकि ये नारियल गोश्त है, इसलिए अब नारियल डालना है, सब भुनना है। जलाओ गैस, जला गैस, जलाया फिर से। इसमें अभी हमने गरम मसाला नहीं दिए थे, आपने देखे थे। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला दे रही हूँ, इसलिए देती हूँ 1/2 चम्मच क्योंकि ये होममेड मसाला है, बहुत तीखा है, मार्केट का नहीं है। मार्केट में तो सिर्फ तेजपत्ता और दालचीनी देकर के पीस देता, गरम मसाले की पूरी महक आ जाती है। गोल मिर्च अपने घर में बनाइए तब देखिए कितना दिन, मैं जब भी बनाती हूँ 5 महीना 6 महीना तक आराम से खाते हैं। देखिए इसको मैं अच्छे से भून रही हूँ, पूरा रोगन निकल जाता है। अब इसमें मैं थोड़ा सा ये जो नारियल पीस के रखे हैं ये इसका गूदा डालेंगे क्योंकि ये नारियल गोश्त है। नारियल बिरयानी है, गोश्त नहीं, सॉरी, साउथ इंडियन डिश है, नारियल गोश्त भी बनता है, वो भी इंशाल्लाह एक बार ज़रूर बनाएंगे। मुझे हर तरीके का खाना बनाने आता है, इसलिए आप लोगों को जो भी पसंद हो हमें कमेंट में बताएं कि आप लोगों को ये खाना ना। मैं बताने की कोशिश करूंगी, बनाने की कोशिश करूंगी। अब मैं इसमें दूध जो निकाले हैं, मिल्क पड़ेगा इसमें, मेरे पास घर का था इसलिए हमने घर का ही दे दिया। ये 250 ml हमारा दूध है, देखिए कितना अच्छा दूध निकाल। अब मैं इसमें हल्का सा सीटी लगाएंगे, ये भी थोड़ा सा मैं कुछ
हल्का सा कड़ा लग रहा है, इसलिए एक सीटी लगा करके इसको मैं बंद करेंगे जब तक कि ये भी पूरा अच्छे से गल जाएगा। इसमें हल्का सा सीटी लगाएंगे, ज़्यादा देर नहीं, बस एक दो सीटी लगा करके इसको बंद कर देंगे। अब इसमें सीटी लगा देंगे। यह हो चुका, नारियल गोश्त है इसलिए इसमें थोड़ा सा कच्चे नारियल भी दे रहे हैं और थोड़ा सा सजावट के लिए रखे हैं। अब मैं इसको दम इसमें मिलाएंगे, इसके ऐसे दम में रखेंगे। हमने चावल मिला करके बनाया है, बहुत तरीके से बनाई जाती है। बहुत अच्छा रोगन, बहुत अच्छी खुशबू नारियल की। अब मैं इसको मिला रही हूँ। थोड़ा सा हल्का सा धनिया पत्ती दिए। चावल पूरा से हो चुका है इसलिए दम पर नहीं रखेंगे, अगर थोड़ा सा भी कनी रहता तो दम पे रख देते हैं, लेकिन अंदाज है कि ये हो ही चुका, मिल चुका है पूरा अच्छे से। ये मैं निकाल रही हूँ। बहुत अच्छी बिरयानी बनी है, कोकोनट बिरयानी साउथ इंडियन। मेरा चावल ज़ीरा है, मेरे यहाँ थोड़ा सा लोग मुलायम खाते हैं इसलिए मैं मुलायम चावल बनाती हूँ। ज़रा सा भी कड़ा हो जाता है तो इन लोगों को पसंद नहीं आता, बोलने लगते हैं कि हाँ कच्चा है, कच्चा है, अच्छा नहीं लगता है, मर्द लोग बोलते हैं। सही हो जाता है लेकिन अभी गर्म में ये लगने लगता है कि ये नहीं। मैं ये नारियल दे रही हूँ क्योंकि ये नारियल बिरयानी है मटन की, इसलिए इसको देना ज़रूरी है। और ये थोड़ा सा हरा धनिया दे रहे हैं। कैसी लग रही है रेसिपी हमें ज़रूर बताएं, हमें बहुत अफसोस लगता है कमेंट में नहीं आता है, कभी कभी आता है कभी नहीं आता है, पता नहीं क्यों। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत ही लजीज और अच्छी रेसिपी होती है, एक बार ज़रूर बनाएं और बनाने का भी हक रखते हैं। जैसे हम बताते हैं इसी ट्रिक से, इसी साधन से, इसी हिसाब से बनाएंगी तो ज़रूर ही सब कुछ अच्छा लगेगा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं लगेगा, बहुत ही लजीज होती है ये कोकोनट बिरयानी। और हर डिश को इंसान को बनाना चाहिए, खाना चाहिए, खिलाना चाहिए सभी को। दावत मेहमानी में एक ही तरीके का सीधा सीधी पुलाव गोश्त बना दिए वो अच्छा भी नहीं लगता है, जब तक कि 10-12 आइटम नहीं होता अच्छा नहीं लगता, हर तरीके का खाना होना चाहिए। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहाँ से देख रही हैं हमें बताएं, बहुत बेचैनी से हमें इंतज़ार करती रहती हूँ। सभी के कमेंटों का मैं जवाब भी देती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देती हूँ। मुझे हर तरीके की खाना बनाने आता है, आप लोगों को जो भी चीज़ों का खाना खाने का ख्वाहिश हो हमें कमेंट करके बताएं कि आंटी आप ये चीज़ ये रेसिपी बताएं, मैं बनाने की बताने की कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम।